हेलो स्टूडेंट, जीई मेंस शिफ्ट 1 8 अप्रैल का पेपर हो गया है। और पेपर कैसा था, पेपर का नेचर क्या था, टफनेस लेवल कैसी थी और कंपेयर टू जनवरी पेपर में क्या डिफरेंस था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शेयर के टू पर्पज़ हैं। नंबर वन कि आप जो आने वाली शिफ्ट में पेपर दें कहीं ना कहीं मेंटली वो आप प्रिपेयर हो पाएंगे। और जनवरी और इस पेपर में क्या डिफरेंस था, वो जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया, ऑनलाइन स्टूडेंट जो थे हमारे इम्पीटस गुरुकुल के, उन्होंने मुझे मैसेज बताया। मैंने उनसे बोला था कि जैसे ही पेपर हो आप बताना, जिससे कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये पेपर का फीडबैक शेयर कर पाऊँ। अब पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पेपर का फीडबैक शेयर करने का पर्पज़ क्या। नंबर वन थिंग कि जब जनवरी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था तो हमें ये आइडिया लग गया था कि आने वाले पेपर किस ढंग से होंगे। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो 8 पेपर थे वो सब के सब पेपर में 10 से 20% का टफनेस लेवल में डिफरेंस था और कुछ भी नहीं था। कुछ ईजी थे कोई शिफ्ट के, कुछ टफ थे। वैसे ही अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले शिफ्ट 1 के 8 अप्रैल के पेपर की मैं बात करूं, पेपर 2 तो अभी होने वाला, शिफ्ट 2 का तो अभी होगा, और शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस स्टूडेंट मुझे भेज रहे हैं, जैसे ही पूरे क्वेश्चंस आ जाते हैं वो भी मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर करूंगा। तो नंबर वन थिंग कि जो मुझे स्टूडेंट ने बताया, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि जनवरी से सर ये पेपर ज़्यादा ईजी लगा, कुछ को टफ लगा। अब डिपेंड करता है, जनवरी से ज़्यादा ईजी लगा का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जनवरी के पेपर के बाद आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली हो इसलिए। पर मैं आपको वैसे बताऊं कि जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया उससे ओवरऑल निकल के आता है कि ऑलमोस्ट पेपर जनवरी जैसा ही पेपर था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। हाँ, अगर इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो शिफ्ट 1 का केमिस्ट्री का पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था, और फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। क्योंकि देखिए, टफनेस का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि जो चीज़ आपको नहीं बनी आप उसे टफ बोल देते हैं, जो बन गई वो ईजी। पर इन ऑल मैं अगर आपसे एक पॉजिटिव शेयर करूं तो पेपर ऑलमोस्ट जनवरी जैसा ही था, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आया। नंबर वन थिंग, पेपर्स की टफनेस लेवल थोड़ी सी मैथ्स में ज़्यादा लगी कुछ बच्चों को, कुछ को कम लगी, कुछ को फिजिक्स में ज़्यादा लगी। स्पेशली फिजिक्स का पेपर इनफैक्ट थोड़ा सा लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था। मैथ्स में भी स्पेशली कोऑर्डिनेट या हम बोलें कैलकुलस का कुछ पार्ट जो था वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अदरवाइज इन ऑल अगर पेपर देखें तो बिल्कुल जनवरी जैसा था। तो मैं आप सभी को जो अब शिफ्ट 2 और आने वाले अटेम्प्ट आने वाली शिफ्ट के पेपर देने वाले हैं, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आप में से लोग वो परेशान थे, मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज बच्चों का जो आया था वो, इसलिए ये इमीजिएटली मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अदरवाइज जरूरत नहीं थी कि सर हमें ये बताया गया जहाँ पे भी जिन जिन जगहों पे स्टूडेंट ने पढ़ा कि इस बार का पेपर काफ़ी टफ आएगा, जनवरी से बहुत ज़्यादा टफ आएगा। जब मैंने सभी को एक बात बोली थी कि जो बात मैंने जनवरी में बोली थी वो अभी, कि पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर वैसा ही आएगा जैसा जनवरी में आया है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पेपर का लेवल कोई बहुत डिफरेंस नहीं था, और अब क्वेश्चंस और आ जाएंगे तो हमें क्लियरिटी आ जाएगी। पर एक पॉजिटिव बात है कि ऑलमोस्ट पेपर सेम था, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप अब जो भी शिफ्ट देने वाले हैं एक पॉजिटिव माइंड से दीजिएगा। जैसे ही सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपाइल करके मैं आपको इसके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो सॉल्यूशन का तरीका होगा यहाँ का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अगर आप इस सॉल्यूशन को अप्रोच को अप्लाई करते होंगे या करेंगे आने वाले पेपर्स में, तो आपको इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।